पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैं खास तौर से आज क्योंकि मैं आज गणतंत्र दिवस है, यौम जमहूरिया है, असल मायनों में हमारी आजादी आज कंप्लीट हुई थी। हम 1947 में 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए थे, लेकिन हमारा कानून उस वक्त तक नाफिस नहीं किया गया था, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चल रहे थे और आज के दिन 26 जनवरी को ये कानून नाफिस किए गए और हम कंप्लीटली एक आजाद मुल्क बन गए। मैं खास तौर से नई नस्लों से कहना चाहता हूं, उन्हें बहुत सी बातें पता भी नहीं है, उन्हें विरासत में आजादी मिली है। इस संविधान के लिखने वाले और उनकी टीम भीमराव अंबेडकर साहब को भी मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इतना खूबसूरत संविधान हम लोगों को दिया, जिसने हमारे मुल्क की मुख्तलिफ तहजीबों को, मुख्तलिफ धर्मों को, मुख्तलिफ जातियों को सम्मान दिया और इंसान को, हर इंसान को बराबर का हक दिया, हर मजहब के मानने वाले को उसका बराबर का हक दिया गया, हर मजहब के अपने पर्सनल लॉज के लिए बराबर का हक दिया गया। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान एक रंग बिरंगी गुलदस्ते की तरह तमाम दुनिया में अपनी खुशबुएं महका रहा है और मेरी अल्लाह से, ईश्वर से यही दुआ है कि इस गुलदस्ते को मेरे बच्चों बिखरने मत देना। ये बड़ी मुश्किल से हमें हासिल हुआ है। जंग आजादी 1857 से शुरू हो गई थी, वो गदर नहीं था, वो जंग आजादी थी। तुम्हारा शहर इस बात का गवाह है। हिंदुस्तान में तो आजादी के मतवालों ने बहुत कुर्बानियां दी है, मैं गिना नहीं सकता, बहुत शॉर्ट टाइम है, लेकिन कम से कम तुम्हें अपने शहर के बारे में जानना चाहिए। तुम्हारे शहर वालों ने 1857 के अंदर जब मेरठ की जेल से छूट के और मेरठ के कुछ मिलिट्री के लोग मुरादाबाद भाग कर आए थे और रामगंगा के रेते के ऊपर उन्होंने बना ली थी, मुरादाबाद के लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया था और उनकी मदद की थी और जंग आजादी हुई, मुरादाबाद का कलेक्टर उसका घेराव कर लिया गया, उसे यहां से भगा दिया गया। उसने अपने बच्चों को उस वक्त के शहर इमाम आजम अली साहब के यहां पनाह देने के लिए भेजा। अंग्रेजों से मुरादाबाद को पाक कर दिया गया और मुरादाबाद से लेकर नैनीताल तक अंग्रेजों की हुकूमत खत्म कर दी गई। ये मैं 1857 की बात आपको बता रहा हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर ही कुछ मुनाफिक थे। कुछ ही दिन के बाद अंग्रेजों ने नवाब रामपुर की फौजों से मिलकर रात के अंदर हमला किया और हमारे आजादी के मतवालों को शहीद कर दिया गया, लोगों को पकड़ लिया गया। बच्चों, तुम्हारे मुरादाबाद के चार लोग ऐसे थे जिनको तोप के दहाने पर रख के उड़ा दिया गया। नवाब मजीदुद्दीन खान साहब को पकड़ लिया गया, जिनको मज्जू खान के नाम से जाना जाता है। इंदिरा चौक के ऊपर चूने के भट्टे में उन्हें जलाया गया और उनकी सशक्ति विलाश को हाथी के पैर से बांधकर घसीटा गया। पानों के दरीबे पर कमल नाम के एक लड़के ने हाथ में पत्थर लेके खंभे के ऊपर चढ़ गया और अंग्रेजों ने उसको गोली मार दी और वो वहीं पर शहीद हो गया। नवाब मजीदुद्दीन खान साहब भी उस वक्त तक अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके थे। ये कुर्बानी हमें तो आसानी से नहीं मिली है, ये आजादी आसानी से नहीं मिली है हमें। कितनी कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी है, अब मैं वो वाकया हर जगह बताता हूं कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया था। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी इसका जिक्र किया कि मुरादाबाद में एक मंदिर है जिसके नीचे एक बेसमेंट है, तहखाना है। 1857 में आजादी के मतवाले उसमें छुप गए थे, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लोग थे। एक तरफ मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते थे और एक तरफ हिंदू अपनी पूजा किया करते थे, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं थी।
मुझे अफसोस है इस बात का, मेरे बच्चों आज तुम किस माहौल में आ गए हो, किस जगह पे हम खड़े हैं। अपने जमीर से, अपने दिल से इस बात को पूछना, क्या हिंदुस्तान को वो ताकतें जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है, वो ताकतें जो हिंदुस्तान को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहती है, उसका एक ही, उसके लिए उनके पास एक ही उपाय है कि यहां के रहने वालों के बीच में नफरतें को बीज घोल दो। बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, और जब साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से फेंका गया, जब नैनीताल में ये लिखा गया कि इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, उन्होंने सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान की आजादी में कूद पड़े। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, गांधी जी कभी ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का डिवीजन हो, कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा हों, मजहब के आधार पर हिंदुस्तान को बांट दिया जाए। 1947 में 15 अगस्त मिडनाइट में, जिस वक्त पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब देश का झंडा फहरा रहे थे, तो कभी ये गौर करना कि उस वक्त बापू कहां थे, गांधी जी वहां क्यों नहीं थे, गांधी जी नाराज थे कि देश का बंटवारा क्यों हुआ, और गांधी जी कलकत्ते चले गए थे, और उसके बाद जो खूनरेजी हुई वो अहिंसा का पुजारी, और उसके बाद लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, बता दें 10 लाख लोग उसको मारे गए, पॉपुलेशन शिफ्ट हुई, गांधी जी ने फास्ट टू डेथ रख दिया। 4 दिन हो गए थे उन्हें कुछ खाए पिए बगैर। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार पटेल साहब और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो सरहदी गांधी कहलाते थे, और लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी के पास गए और गांधी जी से कहा कि आप अपना ये व्रत तोड़ दिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा है कि गांधी जी की आवाज तक ठीक से नहीं निकल रही थी, लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि जवाहर, कत्लेआम बंद करो, तुम प्रधानमंत्री बन गए हो, मैं जब भी अपना फास्ट तोड़ूंगा जब हिंदुस्तान के अंदर शांति होगी, जब अहिंसा होगी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी दिल्ली वापस आए और बलवाइयों को शूट एट साइट का ऑर्डर करा। दिल्ली के अंदर उसी रात में 14 बलवाई मार दिए गए, शांति हो गई, कत्लेआम खत्म हो गया। फिर गांधी जी के पास गए और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने उनको जूस का एक गिलास पिलाया। ऐसे हमारे महान पुरुष, और आज से कंपेयर करिए कि आज हम किस जगह पर हैं। बच्चों, ये देश तुम्हारा है, हम लोगों की तो आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर चुकी, गुजार लेंगे। हम नहीं चाहते कि तो हम तुम्हें उस देश के उस माहौल में छोड़कर जाएं जहां इंसान को इंसान से डर लगने लगे। और ये जब ही हो सकता है जब हमारा प्यार मोहब्बत, हमारा भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, हमारी वो तहजीबें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी हैं, वो हम कायम रखें। इसी से हमारे देश का भी उद्धार होगा, हम सबका उद्धार होगा। और मुझे यकीन है अगर हम इस रास्ते में चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो आएगा कि हम सुपर पावर बनेंगे, हमें किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी के साथ एक बार फिर सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।